नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। लद्दाख राइड के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका मोटो व्लॉग के अंदर। और आज जैसा कि आप मेरे आसपास की रोशनी देख के समझ गए होंगे कि क्या है माहौल, तो आज है हैप्पी दिवाली। तो सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पता नहीं कब आएगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया हूँ आजकल, तो लेकिन फिर भी दिवाली की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। लद्दाख की सीरीज अपनी बिल्कुल भी हिट नहीं रही, लेकिन हाँ वो अपने काम जरूर आएगी क्योंकि एपिसोड खूब सारे बने हैं, जिंदगी भर देखने के काम आएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर शहर के अंदर रोशनी का क्या आलम होता है। और अभी हम इस समय हैं जो एलिवेटेड रोड है उसके ऊपर, और अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 बज गए हैं। और ये है द ग्रैंड अनुकंपा, और यहाँ पे आप देखिए भाई साहब इस समय रोशनी का आलम बड़ा ही शानदार है। चारों तरफ बड़ी अच्छी रोशनी हो रखी है, और इस समय जो सिटी की वॉल की जो रोशनी है वो और भी ज़्यादा शानदार हो रखी है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बच्चे बड़े ही शानदार मूड के अंदर है एकदम। तो अभी हम यहाँ से जो हमारा रूट का प्लान है वो ये होगा कि हम जाएंगे सीधा यहाँ पे जो हमारी सिटी वॉल सिटी है वहाँ पे, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ वहाँ कैसा क्या माहौल है, ट्रैफिक मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ज़्यादा मिलने वाला है वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम पूरा राउंड लगा के आने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, अब मेरे वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद आएंगे, तो आप थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करके छोड़ देना। और क्योंकि अब मैं थोड़ा सा क्या है लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और थोड़ा सा बिजी होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जितने भी साधन हैं मैक्सिमम सिटी की ओर जा रहे हैं क्योंकि इस समय वहीं पे रोशनी देखने को ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या माहौल है, हर हिस्से में उधर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है भाई साहब इस समय सिटी का जो माहौल है काफ़ी ख़तरनाक मिलने वाला है। देखते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो अपन बीच में से कहीं से कल्टी मार लेंगे। तो ये है इस समय हम MI रोड के ऊपर, और यहाँ पे ये है ओम टावर, और सामने है वो ओहो MI रोड पे भी थोड़े बहुत ट्रैफिक तो लग रहा है, और बच्चे थोड़े से अजीबोगरीब ढंग से चला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यार यहाँ तो वन वे रहता है, ये क्या कैसे आ रहे हैं ये। ओके, अच्छा वन वे का टाइमिंग का शायद चेंज हो गया होगा कुछ। बाकी भाई साहब यहाँ पे देखिए आप भीड़, तो यहाँ पे अभी पूरा जयपुर इधर रोशनी देखने के लिए निकल आता है, तो वही बात हो गई है सभी लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई साहब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ओह माय गॉड, आगे बहुत ज़्यादा जाम है, क्या करना चाहिए हमें, देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आगे जाम है, हमें यहीं से निकलना पड़ेगा और दूसरी साइड से आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम फंस गए तो फिर हमारा घूमना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, आराम से, यहाँ ये क्या चल रहा है, इतनी डेंजरस ड्राइविंग चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे सब फंस चुके हैं इस समय। तो ये रहा पहला अनुभव यहाँ पे फुल जाम। तो यहाँ ये रास्ता बंद कर रखा है, इधर से जा नहीं सकते। तो हमारे रोशनी देखने का जो पहला प्लान है वो फेल हो चुका है बुरी तरह से, और अब हम चलते हैं दूसरे प्लान की ओर क्योंकि यहाँ से सिटी में जाना अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो रखा है क्योंकि यहाँ है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा। तो हम एक काम करते हैं, आपको सीधा ले चलते हैं JLN मार्ग की ओर। ओके, तो वहाँ नहीं जा पाए तो अपने काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं स्टेचू सर्किल, और स्टेचू सर्किल से लेते हैं विधानसभा वाला रास्ता, और वहाँ पे देखते हैं अगर कुछ हमें देखने को मिला तो, क्योंकि सिटी में तो नहीं जा पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है और
हिमालयन को भाई साहब ट्रैफिक में निकालना भी बड़ा ही टेढ़ी खीर है। तो यहाँ पे जैसा मुझे देख पा रहा हूँ स्टेचू सर्किल पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। आई डोंट नो क्या देखने को मिल सकता है क्या वहाँ पे, कुछ देखते हैं अगर हो जाए तो। फिर इसके बाद तो जो अपना जो फेमस रूट है उसी पे चलेंगे, क्योंकि भाई साहब इन रूट्स पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। यहाँ पे पूरी चौपाटी बना और सजावट ठीक ठाक है। अब तो भाई साहब जयपुर में सजावट देखने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एक टाइम था जब कुछ भी नहीं, बस आप सीधा जाओ और पूरी सिटी में आप आराम से चक्कर लगा सकते थे, लेकिन अब तो भाई साहब सिचुएशन ही और कुछ हो रखी है। हाँ फुल बैक ले लो सर, हमें बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। जी हाँ, तो ये है स्टेचू सर्किल। स्टेचू सर्किल पे आप देख सकते हैं काफ़ी मीडियम सी यहाँ पे सजावट है, मध्यम मध्यम सी, अच्छा लग रहा है। अलग है एक्शन के एम, आई डोंट नो जस्टिफाई कर पा रहा होगा नहीं कर पा रहा होगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे रुक के वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें चक्कर लगाना है लंबा। और यहाँ पे क्योंकि कभी भी कहीं पे भी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए तो आप ऐसे एक्शन गेम की नज़र से देखते रहिए। काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक। और अब इधर से लेफ़्ट जाएं तो हम सिटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सिटी में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा विधानसभा, और विधानसभा से होते हुए हम कोशिश करेंगे जेलन मार्ग पर पहुँचने की। उससे पहले एक झलक अगर हो जाती तो हम अल्बर्ट हॉल की ले लेते। ओके, विधानसभा को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सजाया गया है, सामने मेरे को दिख रही है बिल्कुल भी वहाँ पे सजावट नहीं है, तो विधानसभा पे यहाँ पे सजावट नील। तो अभी हम यहाँ पे ये है रामबाग चौराहा, और रामबाग चौराहे पे कुछ इस टाइप सा है। टोंक रोड पे वैसे काफ़ी बढ़िया सजावट होती है, लेकिन टोंक रोड पे समस्या ये है कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं माहौल क्या चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम निकलेंगे, या तो सीधा चलते हैं वहाँ बिरला मंदिर की ओर, या फिर देखते हैं लेफ्ट में अगर देखने को मिला हमें दूर से दिखने जाएगा, वैसे अगर रोशनी हो रही होगी तो हम। अपन को यहाँ पे अल्बर्ट हॉल पास, या अल्बर्ट हॉल क्या बिरला मंदिर पास से देखने का मौका मिल रहा है। तो आप बिरला मंदिर, और ये देखो जेडीए, जैसा मैं बताया था जेडीए में हर बार अच्छी होती है, यहाँ पे जेडीए में भी अच्छी है, और यहाँ पे इसके सामने बिरला मंदिर है, इसमें भी देखो अच्छी खासी रोशनी है। तो आज थोड़ी सी ये भी है कि सब लोग जैसे रोशनी देखने के चक्कर में कोई हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है आज अगर पुलिस वाले रोकेंगे तो उनको बोल ही देंगे हैप्पी दिवाली और हो जाएगा काम। के तो यहाँ पे एक फेमस बिल्डिंग है, अब मेरे को उसका नाम नहीं पता, नेस्ट नेस्ट करके ये क्या है, इसकी हर बार बहुत ही अच्छी सजावट होती है। इस बार यहाँ पर सजावट नहीं करी गई है, क्यों नहीं करी आई डोंट नो, या करी थी वो बंद कर दी है कुछ पता नहीं। तो गांधी सर्किल पर भी सजावट बंद कर दी है, मतलब सब बंद है, कुछ ही नहीं है, नथिंग। एक्चुअली मैं भी क्या जयपुर छोड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ बाहर, तो सोचा एक बार आखिरी बार देख चलते हैं यार, पता नहीं फिर मतलब जयपुर में। और रो 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 बच्चे भिड़ गए। एक छोटी सी समस्या और है यार, होली दिवाली पे जो यूथ है वो तो पीने पीने का काम तो करते ही हैं। अब ये देखो, ये देखो लेफ्ट से बिल्कुल काटने की कोशिश चल रही है यहाँ, आई डोंट नो व्हाट। ओहो, यहाँ पे रेस शुरू हो गई है। ओहो, ये क्या चल रहा है वो, अरे यार वास्तव में यार, वास्तव में भाई साहब मजे आते हैं यार। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं राइट के अंदर सरस पार्लर। सरस पार्लर में काफ़ी देर
अब भूल गए थे हम देखने क्या निकले हैं, हम भीड़ देखने थोड़ी निकले हैं, हम देखने के लिए निकले हैं यहाँ पे रोशनी। तो यहाँ सरस पार्लर के अंदर बहुत ही छुट्टी पुट्टी सी रोशनी है और अभी शायद खुला हुआ भी है क्या, हाँ है, सॉफ्टी वगैरह दे रहे हैं लोगों को। और आप दिल की धड़कने थाम के बैठ जाइए क्योंकि जिसका आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार था वो जगह आ गई है। अब देखना ये है कि क्या वहाँ पे जो लाइटिंग है वो करी हुई है या वहाँ पे लाइटिंग बंद कर दी गई है जैसा कि सब जगह से कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे सरस पार्लर वाली पुलिया और यहाँ पे जाम, फिर से जाम। It's my life. Woo-hoo! Oh, hi, sir. लड़ाई हो गई क्या वो छोरे दोनों? अपन को उधर चलना पड़ेगा देखने के लिए फिर तो। और WTP पे आप देखिए भाई साहब, यहाँ पे जो अभी मौसम है काफ़ी बढ़िया चल रहा है बहुत ही, और यहाँ पे इसकी जो सजावट है वो भी ठीक ठाक करी हुई है, अच्छी लग रही है। सो हो वाह वाह, माहौल बढ़िया है।